शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र पिनरगढ़िया पेट्रोल पंप के पास आज सुबह जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका शैलेंद्र रजक तथा अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बताते चले कि डीटीओ और सीओ का काफिला क्षेत्र में चल रहे अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए निकला हुआ था और पिनरगढ़िया जोड़ा पेट्रोल पंप के समीप डीटीओ ने बोल्डर और पत्थर चिप्स लदे वाहनों को जाँच के लिए रोका था। इतने में कुछ असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों के सहयोग से काफिले पर हमला बोल दिया। हालांकि डीटीओ और सीओ को कोई चोट तो नहीं आई, परंतु काफिले में शामिल दो पुलिस कर्मियों को असामाजिक तत्वों ने बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। बाद में शिकारीपाड़ा थाने के पुलिस ने पुलिस कर्मियों को छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ दुमका नूर मुस्तफा अंसारी तथा एसडीएम महेश्वर महतो शिकारीपाड़ा थाना पहुंचे और पुनः पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीएम दुमका तथा एसडीपीओ दुमका ने जांच पड़ताल की और घटनास्थल का मुआयना किया तथा कुछ एक ग्रामीणों से भी पूछताछ की। एसडीएम महेश्वर महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और पुलिस अनुसंधान जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक के बयान पर वाहन संख्या WB456205 तथा WB452086 के मालिक एवं चालक और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 120-125 अज्ञात महिला एवं पुरुष तथा लड़कों के विरुद्ध शिकारीपाड़ा थाना में कांड संख्या 76/2021 भादवी की धारा 147, 148 और 149, 341, 342, 323, 307, 353, 504, 506 एवं 427 IPC तथा झारखंड के खनिज चालान अधिनियम 2005 के 179, 194 एक के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकारीपाड़ा से स्वदेशवाणी के लिए ललित कुमार पाल की रिपोर्ट। करने के दौरान एक पदाधिकारियों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों पर तोड़ फोड़ किया गया है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी जिला परिवहन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी दोनों ही जो ड्रग्स हैं उनको जो यहाँ पर अवैध रूप से उत्खनन करके ले जाया जाता है, उनकी छापामारी के लिए वो दोनों निकले हुए थे। इसी क्रम में उन्होंने 4 ट्रक को डिटेन किया और उनको ला रहे थे और उसी दौरान जो है कुछ लोगों के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की गाड़ियों को घेर कर और इसके बाद में ट्रक छुड़ाने के लिए उन लोगों पर पथराव की गई है। इसमें कौन कौन घायल हैं सर? इसमें एक सिपाही घायल हैं और जिला परिवहन पदाधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ये भी कहा जा रहा था कि सर कुछ पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया गया था, उनके साथ मारपीट भी की गई थी और ये कोई पहली घटना नहीं है। आपके नेतृत्व में भी एक कोयला छापामारी करने के दौरान जो है इस तरह का बंधक बनाने की खबर आई थी। बंधक किसी को भी उस दौरान भी नहीं बनाया गया था और ना ही आज बनाया गया है। जहाँ तक आज का सवाल है तो आज हाँ पथराव जरूर हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसके अलावा जो है बंधक किसी को भी नहीं बनाया गया है। बताइए सर, जिस तरह के पत्थर औद्योगिक इलाका में अवैध उत्खनन चल रहे हैं और उस पर जब भी लगाम कसने प्रशासन जाती है तो उस पर जो है पथराव या तो फिर बंधक बनाने की खबर आती है, प्रशासन ऐसे अवांछित तत्वों से कैसे निपटेगी और कैसे रोक लगाएगी? करते हुए हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि जिस तरह से इन पत्थर औद्योगिक इलाका में मात्र 120 क्रशर और पत्थर माइंस है और करीब 450-500 के पत्थर उद्योग चलाए जा रहे हैं, उसको कैसे नकल कस पाइएगा? इस विषय में हमने जिला माइनिंग ऑफिसर को भी और उसके बाद में अंचल अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वैसे जो भी अवैध माइनिंग है जो चल रहे हैं उनकी एक सूची तैयार करें और वो हम लोगों को भेजें। तो जो भी अवैध माइनिंग का यहाँ पर उस तरह का चीज है उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।